तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको LG के सिंगल डोर फ्रिज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, रंजीत हैशटैग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको LG के 224 लीटर 4 स्टार के बारे में स्मॉल रिव्यू दूंगा कि इस फ्रिज में ऐसा क्या खास है, इसका स्टोरेज कितना है और स्टोरेज में क्या क्या सेल्फ है, कितने सेल्फ है, क्या क्या फ्रीजर का स्टोरेज है, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके 4 स्टार रेटिंग की, जो कि आपको 153 यूनिट पर ईयर दे रहा है, यानी ये जो बिजली लेता है पूरे एक साल की 153 यूनिट लेता है। अगर इसके मॉडल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो GL-B241ASEY इसका मॉडल है। 2023 का ये लेटेस्ट मॉडल है। डायरेक्ट कूल इसको बोलते हैं क्योंकि इसकी कूलिंग आपकी डायरेक्टली होती है कूलिंग कॉइल के द्वारा। अब फ्रेंड्स, इसकी जो नेट कैपेसिटी है 224 लीटर है, क्योंकि जितने भी 2023 के अंदर फ्रिज आ रहे हैं वो सब के सब नेट कैपेसिटी में आ रहे हैं, क्योंकि अब ग्रॉस और वॉल्यूम स्टोरेज नहीं बताया जाता, अब डायरेक्टली पूरे फ्रिज की नेट कैपेसिटी ही बताई जाती है। इसमें फ्रेंड्स सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसका जो मोटर है, कंप्रेसर है सॉरी, इसका जो कंप्रेसर है वो आपका इन्वर्टर बेस कंप्रेसर है, जिसमें कि लगभग आपकी बिजली की सेविंग काफ़ी हद तक बेटर हो जाती है। यानी स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर है जो कि वेरिएबल पे चलता है, अपने हिसाब से कूलिंग को मेंटेन करता है। फ्रेंड्स, स्मार्ट इन्वर्टर के साथ साथ इसमें क्या है कि ये आपको कूलिंग देता है ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके, यानी आप इस फ्रिज को अगर यूज़ करते हो तो अपने हिसाब से ही ये कूलिंग को एडजस्ट कर सकता है, इसलिए इसको स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, सिंगल डोर का ये फ्रिज है। इस फ्रिज में लगभग आपको 90 वोल्ट से लेके 310 वोल्ट तक का स्टेपलर वर्क मिलता है, यानी इस फ्रिज में आपको स्टेपलर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके लुक की बात करें तो ये फ्लावर प्रिंट का लुक है और गुलाब कलर इसमें बने हुए हैं। लॉक सिस्टम है फ्रेंड्स इसमें, विद हैंडल के साथ ही आ जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके इंटरनल कैपेसिटी की बात करेंगे तो इंटरनल कैपेसिटी में आपका ये सामने है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये फ्रीजर जोन है। फ्रीजर जोन में क्या है तो इसमें आपको यहाँ पे थर्मोस्टेट दे रखा है। थर्मोस्टेट में अगर आप देखते हैं तो 1 से लेके 8 तक इसकी सेटिंग्स है, जिसमें कि आपका नॉर्मल ठंडा और ज़्यादा ठंडा, अधिक ठंडा, मीडियम ठंडा, यानी अगर गर्मियाँ हैं या ठंडियाँ हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ से इस फ्रिज के टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि अगर आप विंटर में चलाते हैं तो 1 से 4 डिग्री पे जाना चाहिए, मानसून में अगर चलाते हैं तो 4 से 6 डिग्री, अगर समर है यानी गर्मी है तो 6 से 8 डिग्री पे इसको आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डीफ्रॉस्टिंग करने के लिए इसमें क्या होता है, जैसे कि डीफ्रॉस्टिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब भी आप इस फ्रिज को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक बर्फ़ की मोटी परत जम जाती है। अब उस बर्फ को पिघालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ये बटन पुश करना है, वो ऑटोमेटिकली जितना भी बर्फ यहाँ पे होता है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद वो आपका नीचे वाले कंटेनर में गिरेगा और कंटेनर से वो डायरेक्टली इस वाले पॉइंट में जाएगा और यहाँ वाले पॉइंट से वो डायरेक्टली बैक साइड में चला जाएगा, जिससे कि आपका फ्रीजर जो है ज़्यादा बर्फ नहीं जमाएगा और कूलिंग मेंटेन करता रहेगा। कूल एंड फ्रेश जोन, इसका जो ये कूल एंड फ्रेश जोन है, यहाँ पे आपका डेयरी मिल्क प्रोडक्ट होता है। डेयरी मिल्क प्रोडक्ट की बात करेंगे तो डेयरी मिल्क प्रोडक्ट में आपका यहाँ पे दूध वगैरह आता है, बटर वगैरह आता है। सेल्फ की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें आपको 3 सेल्फ दे रखी है, जो कि आपकी टफ एंड ग्लास होती है। ये जो कंपनी बोलती है 175 kg तक ये टेस्ट शीट रहती है। इसमें जो सेल्फ होती है फ्रेंड्स वो एडजस्टेबल सेल्फ रहती है, यानी इसके ऊपर और नीचे वाली दोनों सेल्फ आप एडजस्ट कर सकते हो। वेजिटेबल की बात करेंगे तो फ्रेंड्स कम से कम अगर आपके घर में 3 से 4 मेंबर है या फिर 3 मेंबर भी है तो सफिशिएंट वेजिटेबल है कि इसमें आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आ जाता है। अगर आपका फ्रूट ज़्यादा है तो फ्रूट की साइड रखिए आप, अगर वेजिटेबल ज़्यादा है तो वेजिटेबल की साइड रखिए, क्योंकि ये कूलिंग को मेंटेन करता है। वहीं पे अगर हम डोर स्पेस की बात करते हैं फ्रेंड्स तो डोर स्पेस में आपके 2 रैक नीचे होते हैं और 3 रैक ऊपर होते हैं, तो इसमें आपके 4 रैक्स होते हैं। 1 रैक यहाँ पे जिसमें 1 लीटर की बोतलें, 1 रैक नीचे जहाँ पे आपकी 2 लीटर की बोतलें आ जाती है आराम से। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी वारंटी की बात करते हैं। कंपनी इसकी 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है और 10 ईयर की इसके स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है।
तो फ्रेंड्स ये था आपका एलजी का स्मॉल रिव्यू जो कि 224 लीटर का है और स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। तो फ्रेंड्स अगर इसमें आपको कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।